दर्शकों को पसंद आ रही है श्रीमद् रामायण में रानी कैकेयी का किरदार शिल्पा शकलानी के इस लुक और अंदाज के कायल हो रहे हैं रिवर्स। वैसे तो स्मॉल स्क्रीन पर रामायण जैसे महाकाव्य पर दर्जनों सीरियल्स बन चुके हैं और अब भी बन रहे हैं। रामायण के हर सीरियल में कुछ न कुछ खास और अलग देखने को जरूर मिलता है। यह यूनिकनेस चाहे सीरियल्स के कैरेक्टर्स में हो, स्क्रीन प्ले में हो या फिर डायलॉग्स में। हमने टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले रामानंद सागर की रामायण देखी और 90 के दशक के दर्शक रामायण के इन किरदारों में ऐसे रमे कि आज भी कई रामायण प्रेमियों को अरुण गोविल में राम तो वहीं दीपिका चिकालिया में माता सीता की छवि दिखाई दे ही जाती है। इस रामायण के बाद गुरमीत चौधरी और देबीना बोनर्जी की राम सीता की जोड़ी एक नए रामायण में दिखी और ये रामायण पहले वाली रामायण से कुछ अलग और कुछ हट के दिखी। शो का बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स और एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स में काफी अलगपन था। दर्शकों को ये रामायण भी पसंद आई। तो वहीं स्टार प्लस पर शुरू हुआ सिया के राम वाली रामायण में सनातन विवाह की रीति और रिवाज बड़ी गहराई से दिखाए गए, जिन पे काफी गौर किया गया। तो वहीं सीता के रोल में मदिराक्षी ने दर्शकों के सामने माता सीता की एक नई छवि दिखाई। अब हाल ही में शुरू हुआ सोनी टीवी पर श्रीमद् रामायण को भी दर्शकों का प्यार मिल रहा है। शो के करंट ट्रैक की बात करें तो शो में राम और सिया के विवाह के बाद अयोध्या पहुंच चुके हैं चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ और शादी के बाद की सभी रस्में चल रही हैं। शो में शिल्पा शकलानी रानी कैकेयी के रोल में दिख रही हैं, जिन्हें दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। शिल्पा इस रोल में बेहद ही अलग दिख रही हैं। शिल्पा ने अपने इस किरदार के बारे में हाल ही में एक लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, रानी कैकेयी का किरदार सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक बेहद चैलेंजिंग और यूनिक कैरेक्टर्स है। जहां एक तरफ कैकेयी राजा दशरथ की केवल प्रिय रानी नहीं है, एक कुशल योद्धा भी है, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है, तो वहीं ये सब जानते हुए भी कि राम को उन्होंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, फिर भी राम उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय है। एक तरफ कर्तव्य और ममता है तो दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा भी है। एक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ महारानी के मन मस्तिष्क पर एक ऐसी दासी महत्वाकांक्षा और असुरक्षा का बीज बोती है, जिसे वो अपनी माँ की तरह समझती हैं और ये मानती हैं कि मंथरा कभी उन्हें कोई भी गलत सीख नहीं दे सकती। खैर, श्रीमद् रामायण में कौन है आपका फेवरेट कैरेक्टर और क्या नयापन आपको दिख रहा है इस शो में, कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एस्टीरिया।